हेलो नमस्कार, रविंद्र चरण में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, मानदेय को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने कल ज्ञापन सौंपा है। उनने मांग की है कि अतिथि शिक्षकों को हटाया ना जाए, इनका अनुबंध 12 माह किया जाए। तो उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। उनने उनको 6 महीने से मानदेय भी नहीं मिला है। जब से सत्र प्रारंभ हुआ तब से अभी तक इनको मानदेय नहीं मिला। तो मानदेय को लेकर भी ज्ञापन सौंप रहे, बोले आर्थिक तंगी से गुजर रहे, त्यौहार भी आते तो सही से नहीं मना पाते पैसों के कारण। तो सरकार इनका मानदेय दिए, वो जो बड़ा हुआ मानदेय वही दिया जावे। और अतिथि शिक्षकों ने कल ज्ञापन सौंपा है CM के नाम का कलेक्टर को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, मैं एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से अपडेट पाने के लिए। भगवानपुरा जनपद के अतिथि शिक्षकों ने मानदेय की मांग की। उनका कहना है नए सत्र से अभी तक मानदेय नहीं मिला है, परिवार आर्थिक संकट से गिर गया है। जब से सत्र चालू हुआ है 2023 से आज तक हमें वेतन नहीं मिला है। और दीपावली और भी ऐसे जैसे संक्रांति का ही महिलाओं के ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार भी हमारे बिना वेतन के गए, जिससे हमें आर्थिक रूप से बहुत तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे ऊपर कर्ज हो गया है जिसको चुकाने के लिए भी हम असमर्थ हैं। हमारे को एक आस है कि हमारे को जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 14,000 रुपए सैलरी मिलेगी, 10,000 मिलेगी, 18,000 मिलेगी और आपको प्रति माह 1 या 2 तारीख को डाल दी जाएगी, मगर आज दिनांक तक हमें कोई भी वेतन नहीं मिला है। जिससे हमारी जो खुशियां है, जो हमारे बच्चों को जो त्योहारों पे मनाना चाहिए वो हम उस प्रकार से नहीं मना पा रहे। कहने को हम शिक्षक है, एक गर्व का महसूस होता है कि हम शिक्षक है, मगर जब हमारे पास आर्थिक रूप से हम देखते हैं तो हमारे घर पे बहुत परेशानियां है, बहुत अत्याचार हुआ है हमारे साथ, यानी कि हमारे भविष्य का, हम हमारे बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पा रहे। सहायक आयुक्त से उन्होंने मांग की है।